सभी को मैं मत्तू केवट, मैं आज आपको कक्षा पांचवी विषय मराठी में पाठ क्रमांक 10 बैल पोला इस कविता का वाचन मैं करके आपको सुना रहा हूँ। तर बगा धाड़ा दहा चे बैल पोला ही कविता कसी आहे याचे वाचन मी आपल्याला ह्या व्हिडिओत करून दाखवत आहे। बगा सन बैलांचा आज पोळा गोठ्यातील बैल न्हाऊ घाला मखमली झोळी रंगीत सिंगे कपाळी बांधळी रेशमी बाशिंगे ढवळ्या पवळ्या सजले धजले गाव भर बघा मिरवू लागले आजच्या दिनी नाही काम धाम पुरण पोळी खाऊन नुसता आराम। ह्या कवितेमध्ये बैलांचा सण जो पोळा आहे त्या पोळा सणाच्या बद्दल सांगितले आहे की बघा बैलांचा सण पोळा येतो त्या दिवशी काय काय करतात हे बघा हे बैल आहेत आणि यांना कसे आंघोळ घालत आहे। तर बघा अजून काय ह्याचा अर्थ मी आपल्याला हिंदीमध्ये सांगून दाखवत आहे। बघा सन बैलांचा आज पोळा गोठ्यातील बैल न्हाऊ घाला। यहाँ कवि धोंडी राम सिंह जी कहते हैं कि बैलों का त्यौहार पोळा आ गया, आज बैलों का त्यौहार पोळा है और जो गोठा में बंधे हुए बैल हैं उनको क्या करिए स्नान करवाइए। देखिए बैलों को ये स्नान करवा रहे हैं। आगे देखिए मखमली झोली रंगीत सिंगे कपाली बांधली रेशमी बाशिंगे बैलों को नहला धुला करके उनके मखमली झोली रंगीत सिंगे उनके सिंगों को क्या किया गया रंगों से रंग दिया गया और उनके बदन पर मखमल की चादर बिछा दी गई और कपाली बांधले रेशमी बाशिंगे और उनके सिर पर रेशम का बाशिंगे अर्थात तोरण बांध दिया गया। ढवळ्या पवळ्या सजले धजले ढवळ्या और पवळ्या ये दो बैलों का नाम है। ये जो दो बैल हैं इनका नाम ढवळ्या और पवळ्या है। ढवळ्या पवळ्या सजले धजले गाँव हर बगा मिरऊ लागले। क्या करते हैं पोला त्यौहार के दिन बैलों को खूब सजा धजा करके ढोल बाजा मजीरा ले करके गाँव भर इनको घुमाते हैं और इनकी मिरौनी निकालते हैं बाजा के साथ नाचते हुए। तो इसमें दिया है कि ढवळा पवळा जो है बैल ये सज और धज गए हैं और इनको गांव भर इनकी फेरी निकाल रहे हैं। आगे देखिए आज चा दिनी नाही काम धाम पूरन फोड़ी खाऊं नुस्ता आराम। आज के दिन क्या होता है बैलों को आराम मिलता है और पूरन पोड़ी पूड़ी और खीर बना करके बैलों को खिलाते हैं और दिन भर बैल क्या करते हैं आराम करते हैं। तो इस तरह से ये बैल पोळा का त्यौहार मनाया जाता है। याचे एकदा अजून मी आपल्याला वाचन करून ऐकवत आहे। बघा सन बैलांचा आज पोळा गोठ्यातील बैल न्हाऊ घाला मखमली झोळी रंगीत सिंगे कपाळी बांधळी रेशमी बाशिंगे ढवळ्या पवळ्या सजले धजले गाँव भर बगा मिरऊ लागले आजच्या दिनी नाही काम धाम पुरण पोळी खाऊन नुसता आराम। धन्यवाद सभी को, नमस्कार।